गुड इवनिंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों को आपके अपने YouTube चैनल आई लव माई कबूतर चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज एक चीज़ घटी। कल मेरा जो है एक वाइट मकोया था, जो रेड कलर का बच्चा मैंने सॉक कराया था, इसका जोड़ा नहीं आया तो मुझे लगा कि कहीं उड़ते हुए दूर चला गया हो। तो आज उसका दूसरा दिन हो गया फिर भी नहीं आया, तो मैं समझ गया हूँ कि वो हिला हुआ बच्चा था। ठीक है व्यूअर्स, तो हिला हुआ बच्चे जो हैं कभी भी घर छोड़ के भागते नहीं हैं। कम से कम वो 10-15 बार अप डाउन कर चुका था, यहीं से ही उड़ता था, उसको बालकनी पता था, सारा कुछ उसको पता था। तो हिला हुआ बच्चा कभी भी घर छोड़ के नहीं भागता है, कि तो उसके साथ कुछ ऐसा कांड हुआ होगा, ठीक है, इस वजह से वो ना आया हो, या किसी ने उसको पकड़ लिया हो। पकड़ने का भी चांस नहीं है, जहाँ तक मेरे को लगता है कि बैरी उसको मार दी हो, क्योंकि इसका पंख भी आप देख रहे हैं कलर हुआ है, रेड कलर का था, इससे भी वो ज़्यादा कलरफुल था। ये जो अभी गया है पानी पिया है उसका ही मतलब भाई था। तो ये दोनों मतलब मैंने कल जो है संडे था, मैंने 5 कबूतर उड़ाए थे, जिसमें से एक कबूतर तो आधा घंटा लगा के वापस आ गया बाजीगर को बेटा, बाकी जो है 4 कबूतर मेरे उड़ रहे थे। तो फिर मेरे को किसी काम से मार्केट जाना था, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, छोड़ के मैं मार्केट चला गया। जब मैं मार्केट आया गया तो मेरे को लग गया एक से दो घंटे लग गया, क्योंकि मैं श्योर था कि ये एक बार उड़ रहे हैं तो आराम से तीन से चार घंटे के बाद ही आएंगे। तो मैं समझ लो 2 बजे के करीब, 2 बजे मैं जब जा रहा था मार्केट, तो उस समय देखा था तो मेरे 4 के 4 कबूतर उड़ रहे थे एक साथ आकाश में जाकर उड़ रहे थे। लेकिन जब मैं मार्केट से आया करीब 4 बजे के बाद, तो मैंने देखा कि मेरे जो है एक उड़ रहा है, 2 बैठे हुए हैं और एक का पता नहीं चल रहा था। तो मैं समझ गया कि हमें लगा कि हो सकता है उसके साथ ही उड़ रहा हो। फिर मैंने बहुत ऊपर नीचे करके देखा, ध्यान दिया, फिर मैंने देखा कि यार वो तो आया ही नहीं। फिर मेरे सारे कबूतर आ गए, मैंने लाइट जलाई, उनको आवाज़ मारी, लेकिन वो नहीं आया। मेरे को लगा कि हो सकता है कि वो कहीं बाहर चला गया हो। ठीक है व्यूअर्स, तो मुझे लगा कि हो सकता है कि कहीं चला गया हो, बाद में आए हो। तो फिर मैंने देखा कि जो है एक दिन भी बीत गया, आज भी नहीं आया। तो मेरे को ये लग रहा है उसके साथ कुछ ऐसा हो गया होगा जिस वजह से वो बच्चा आ नहीं पाया। ठीक है, तो यार मेरे को यही होता है, मैं बालकनी से शौक करता हूँ, मेरे कबूतर बहुत मिस भी हो जाते हैं, मैं इनको फरंत ही रखना पसंद करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि इनके मैं पंख काट के रखूँ, चाहे कितना भी अच्छा कबूतर क्यों ना हो। इवन जो मेरा सबसे बेस्ट कबूतर है, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन भी उड़ता है ये वाला, ठीक है, इसकी उड़ान 4 से 5 घंटे, इसको भी मैंने परंत नहीं कर रखा। हाँ, ये मैं मानता हूँ कि जिस दिन मैं छुट्टी रहता उसी दिन मैं उड़ाता हूँ, तो उनको भी उसी दिन मैंने उड़ाया था। बस मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि वो गया तो गया, कहाँ गया, आकाश बंद में हो, मुझे लगा कहीं हो सकता है आगे निकल गया हो, लेकिन थोड़ी बहुत हवा भी बह रही थी। लेकिन जहाँ तक मेरे को लगता है वो ग्रुप में ही रहना पसंद करता था। उसका भाई आ गया, वो नहीं आया, इसका मतलब कि उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है जिस वजह से वो नहीं आया। हो सकता है उसको बैरी पकड़ के ले गई हो, MDM से उसको बैरी पकड़ के ले गई हो। तो व्यूअर्स, ऐसे ही मेरे को घर मतलब हो गया। अब क्या बताऊँ आपको, ये जो बातें हैं वो मैं रियल आपकी बातें बताता हूँ, कोई भी फालतू की बातें नहीं, जो जेन्युइन कंटेंट है, जो सही बात है उसका जोड़ा सोच लो बिगड़ गया। मैं यही सोच रहा था कम से कम मेरे पास एक तो ऐसा जोड़ा रहेगा जो एक ही माँ बाप के रहेंगे, लेकिन ये भी मेरे साथ नहीं हुआ। जैसे ही मैंने सोचा उड़ रहा है, तो मैंने कहा बहुत अच्छा उड़ रहा है, अब इसका जोड़ा लगा दूंगा तो इससे बच्चा बहुत अच्छा निकलेगा। यही मैं सोच रहा था, सोचने के बाद मेरे को कुछ काम आ गया, मैं मार्केट चला गया। ठीक है, इतना मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा तो हुआ था ही नहीं, कांड ही हो गया। तो यार मेरा सोचा हुआ काम कभी पूरा नहीं होता व्यूअर्स। आप भी कमेंट कीजिए, क्या आपका सोचा हुआ काम कभी पूरा होता है, ज़रूर कमेंट के थ्रू आप हमें बताइएगा। चलिए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, अब क्या किया जाए, अब बच्चे हैं हमारे, उसी किसी के हैं, मम्मी पापा हैं, ये मम्मी पापा है, उसका मम्मी है, तो उससे भी मेरे को बहुत मिल जाएंगे कबूतर, उससे भी अच्छे अच्छे माता की कृपा से कबूतर आएंगे। लेकिन मैं चाहे कोई भी कैसा भी कबूतर है, मैं कभी परंत ही रखना पसंद करता हूँ। ठीक है, अब ये अच्छे कबूतर हैं, अब इनके जो बच्चे को मैं कभी मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके पर काट के रखूँ। ठीक है, इसके पापा मम्मी को बल्कि मैं रखा रहता हूँ, लेकिन इनके लिए केयर के लिए मैं रखा रहता हूँ, मैंने पर काट के नहीं रखता हूँ। तो ये तो एक ही तो निकल जाएंगे पुराने कबूतर, आप देख रहे हो। तो इमरजेंसी में जब मैं इतना महंगा खरीद के इनको लाया हूँ, तो मैं नहीं चाहता हूँ। बल्कि बाकी मैं इनकी बहुत अच्छे से देखभाल करता हूँ, 2-3 बार इनको खाना देता हूँ, फीडिंग करता हूँ, प्रॉपर मेडिसिन वगैरह सब कुछ देता हूँ। उसका वीडियो भी आप लोग तो देखे ही होंगे, और मेरे कबूतर को भी देख के आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मैं कैसे इनकी केयर करता हूँ। ठीक है, लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है, मुझे बहुत बुरा लगा। 1 मिनट रुके, मैं खाना दे दूँ, उसके बाद बात करता हूँ। ठीक है व्यूअर्स, वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मतलब यही था, अभी मैंने दाना दे दिया, अब खा रहे हैं। मैं इनको मिक्स फूड दाना देता हूँ, आपको पता ही है। ठीक है, भर पेट देता हूँ,
जोड़ वाले कबूतर को तो मैं दो बार तीन बार खिलाता हूँ, उड़ने वाले कबूतर को भी मैं दो बार खिलाता हूँ, ठीक है। और मैं ये जो बच्चे होते हैं ना यार, मैं इनको पर काट के रखना ही पसंद नहीं करता हूँ। मम्मी पापा को रखा हूँ, मजबूरी है इसलिए रखा हूँ, लेकिन मेरे को बच्चों पर इतना कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। मेरे कभी भी बच्चे जो हैं वो नहीं है, जिसमें कि एग्जाम्पल देख लीजिए बाजीगर ही है, ठीक है। मैंने कभी भी बाजीगर को मतलब परंत मतलब हमेशा परंत ही रखा, इवन छोटा था अकेले था तब भी मैंने रखा, कॉन्फिडेंस था कि ये नहीं भागेगा। लेकिन यार कबूतर कभी बच्चे भागते नहीं हैं जहाँ तक मेरे को लगता है, ठीक है। उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो गई होगी जिस वजह से वो जो है चला गया होगा एम डी एम श्योर, नहीं तो ऐसे चांस नहीं है कि वो चला जाए। लेकिन क्या किया जाए, दुख तो बहुत मेरे को हो रहा है कि एक अच्छा उड़ने वाला कबूतर वहाँ से निकल गया। मेरे एक व्यूअर से उन्होंने भी कहा था कि उनको काट पर काट के रख लो, ठीक है। मैं इनकी कमेंट पे हंसा, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि भाई मैं कबूतर को परंत ही रखना पसंद करता हूँ, चाहे वो कितना अच्छा ही कबूतर क्यों ना हो, क्योंकि मुझे अपने बच्चों पे घर के बच्चों पे बहुत यकीन होता है। लेकिन क्या किया जाए, जब ट्रेजेडी हो जाता है कुछ भी तो आदमी उसमें कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। वो देखिए बाजीगर का बेटा है, वो भी तैयार हो रहा है, दो बच्चे अंदर हैं दिख रहा है, उसकी फीमेल ने वो अंडे रख रखा है। हाँ व्यूअर्स, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। व्यूअर्स, ये जो कबूतरी है, आपको पता है जब कबूतर अंडे रख के जब इतने बड़े बच्चे हो जाते हैं तो कबूतर उसको मारने रखता है, कबूतरी को बाई फोर्स अंडे रखवाने की कोशिश करता है, और वो कबूतरी अंडे भी रखती है। ये जो कबूतरी है मेरी, अंडे रख के बहुत सुस्त हो गई थी, ये लंगड़ा के चल गई थी। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि यार इसको जो है कैल्शियम की कमी हो गई थी। तो एक काम कीजिए, मेरे से गलती ये हो चुकी थी कि मैं ये जो विमरल है ये मैं पहले देता था, ये जो विमरल है देखिए, ये जो विमरल है इसको मैं हफ्ते में दो बार तीन बार पानी में एक लीटर पानी में आधा ढक्कन मिला के दे देता था। फोकस हो जाए भाई, मैं यहाँ रख देता हूँ, ठीक है व्यूअर्स। ये जो विमरल है इसको मैं हफ्ते में जो है दो बार दे देता था, इस वीक जो है मैंने दिया नहीं, ठीक है। और यही मेरी सबसे बड़ी फॉल्ट थी कि मैं इसको देना बंद कर दिया था, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, मल्टी विटामिन्स है। हफ्ते में इसको कम से कम एक लीटर पानी में, मतलब जो हमारी कुंडी है जिस पे वो बैठा हुआ है वो एक लीटर की है, ठीक है। तो एक लीटर पानी में आधा मतलब ढक्कन आप इसको ज़रूर दे दीजिए दो बार, ठीक है, दो बार इसको ज़रूर दीजिए। और ब्रूटोन या लीवर 52 हफ्ते में दो बार, और दो बार ये, मतलब ये दो मेडिसिन को आपको हफ्ते में ज़रूर कोर्स कराइए। देख रहे हैं वो कबूतरी सुस्त बैठी हुई है, ये जो खा रही है, ये देखिए ये वाली मैं हाइलाइटेड कर दूंगा इस वीडियो में। देख रहे हैं इसके पंजे, इसके अंडे देने के बाद इसने, इसका नर ने इसको मार मार के अंडे तक रखवा दिया। अंडे देने के बाद व्यूअर्स मैं क्या बताऊँ आपको, ये चल नहीं पा रही थी, ऐसा लग रहा था कि हाँफ रही थी, लग रहा था कि ये मर जाएगी। फिर मैंने सोचा कि यार मेरे से मिस्टेक कहाँ हुई, तो मैंने यार रियलाइज़ किया कि मैंने मल्टी विटामिन सप्लीमेंट कई दिनों से नहीं दे रखा है, ठीक है। यदि आपके कबूतर हैं, ठीक है, यदि खेत खरियान है, यदि आपके गांव में है तो उनको मल्टी विटामिन मिल जाती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जब आपके कबूतर जब आप पे ही डिपेंडेंस हैं तो वो कहाँ से खेत खलिहान की मिट्टी खाएंगे, अधिक से अधिक वो मिट्टी खाएंगे या आपके गमले की मिट्टी खाएंगे, ठीक है, उससे ज़्यादा वो खा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में क्या होता है कि आप ही को अपने कबूतरों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, यदि आप अपने कबूतर का शौक करते हो व्यूअर्स, कबूतरों का शौक करते हो दोस्तों, तो कुछ पैसे खर्च कर दीजिए। जो अधिक से अधिक आपका खर्च जो है ना 100-200 रुपये से अधिक नहीं होगा, ठीक है। और ये चल जाएगा आराम से, जो है 6-7 महीने चल जाएंगे ये मेडिसिन जो है, 6-7 महीना विमराल और ब्रूटोन ये दोनों चल जाएंगे। मतलब 200 रुपये यदि आप खर्चे कर दोगे तो आपके 7-8 महीने आराम से, यदि आपके 15-20 कबूतर हैं, 20 कबूतर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आराम से 6-7 महीने निकाल लेंगे। यदि एक लीटर पानी में आधा ढक्कन आप दोगे तो, ये विमराल को आधा ढक्कन दे दीजिए, मतलब दे दीजिए, और वो जो है एक लीटर पानी में आधा ढक्कन दे दीजिए, और जो ब्रूटोन सिरप है या लीवर 52 है उसको एक ढक्कन दे दीजिए एक लीटर पानी में, ठीक है। मतलब हफ्ते में दो दिन तो इनको कोर्स कराइए ही कराइए, नहीं कराओगे आप तो आपके कबूतर को यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी जो कैल्शियम वगैरह था मैंने रखा था, आपको बताया था, वेस्टोवेट था जो मैं पिछली वीडियो में भी आपको बताया, उसका लिंक इस वीडियो में मैं शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप दोगे तो कबूतर में शाइनिंग रहेंगी, उसके अंदर कैल्शियम वगैरह सब कुछ बनेगा। देखना इतनी बाई फोर्स लगा के वो जा रही है, नहीं तब तक तो यहाँ से वहाँ जंप कर लेती थी। मैंने तीन तीन कली छोड़ रखी है,
ये बहुत ही कमज़ोर हो गई है, लेकिन मैंने इसको दिया है तो एक दो दिन कैल्शियम दूंगा, ठीक है, और विमरल वगैरह भी दो दिन दूंगा, ठीक है, तो ये सही हो जाएगी। अभी मैंने दिया है इसको कैल्शियम विथ विमरल मिला के दिया है, तो उसका मैं वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन कल मैं दूंगा ना तो उसका भी वीडियो मैं बना दूंगा और इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट अपने कबूतर को देना बहुत ज़रूरी है, ठीक है यार। मेरे कबूतर चले जाते हैं ना, मेरे को कसम बता रहा है, मेरे को रात में नींद नहीं आ रही थी और मैं सपना देख रहा हूँ कि मेरा कबूतर वापस आ गया, ठीक है। यही होता है कबूतरबाज बोलने में तो ऑकवर्ड लगता है, कबूतर लवर बोल सकते हो, पिजन लवर आप बोल सकते हो, ठीक है। पिजन लवर को यदि आप हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो हो जाएगा कबूतरबाज। कबूतरबाज उतना सुनने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन पिजन लवर बोल सकते हो, ये सुनने में भी अच्छा लगता है, लेकिन यदि ट्रांसलेट करोगे हिंदी में तो पिजन लवर का हो जाएगा कबूतरबाजी हो जाएगा, ठीक है। जो कबूतरबाजी करता है, जो कबूतर से प्यार करता है, उसको कबूतरबाज कहते हैं, उसको पिजन लवर बोलते हैं। मैं इंग्लिश में ही बोल के अच्छा लग रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। जो पिजन लवर होते हैं ना, उनको हर एक कबूतर की अपनी परवाह होती है, ठीक है। इतने मतलब हैं कबूतर, मेरे कबूतर बढ़ते नहीं हैं, घट ही जाते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे कोई अफसोस नहीं है। जो भी आपके पास है उनका केयर कीजिए, अच्छे से जतन कीजिए, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अपने कबूतर को थोड़ा सा केयर कीजिए, उनको कह रखिए एक मेरे मिस्टेक से एक बाजीगर का जोड़ा बिछड़ गया, इसलिए मैंने सोच रखा है यदि आपके पास टाइम हो उतने देर के ही लिए खोलिए, यदि आपके पास टाइम है तभी खोलिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो अपने कबूतर को मत खोलिए, ठीक है। ये क्योंकि ये बेजुबान परिंदे हैं, ये इनको कुछ होगा तो ये बोल भी नहीं सकते, आप ही को सारा कुछ इनको केयर करना पड़ेगा व्यूअर्स, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिए, बल्कि यदि आपके पास आधा घंटे का टाइम है तो जब टाइम हो तभी इनको खोलिए, रात में बल्कि खोल दीजिए, लाइट जला के खोल दीजिए, लेकिन जब आपके पास टाइम है तभी खोलिए। ये नहीं कि इनको खोल के आप चले गए, छत पे खोल दिए चले गए, पता चला बिल्ली आ गई या बाज आया, कुछ भी हो गया, मिस अपना, ठीक है। मतलब इनके प्रति डेडिकेशन रहिए, मैं यही कहूँगा, इनके प्रति डिवोट रहिए, ठीक है। जब आपके पास टाइम है तभी आप इनको खोलिए, खोलिए, खाना पीना खिलाइए पिलाइए, उसके बाद बंद कर दिए। यार मुश्किल से आपका एक घंटे का काम है, दो टाइम खोलते हो, आधा आधा घंटे ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो आपके ऊपर है कि आप इनको मतलब कितना मतलब समय दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से यदि एक घंटे भी आपके पास है तो आप आराम से अपने कबूतरबाजी को शौक को कर सकते हो। लेकिन मैं इनको सही बोलूँ तो मैं इनको दो घंटा देता ही देता हूँ, ठीक है। अभी वर्क फ्रॉम होम है तो दो घंटा देता ही हूँ, दो घंटा प्लस ही हो जाता है, लेकिन आने वाले समय में मैं भी हो सकता है दो घंटा मैं दूंगा ही दूंगा, बल्कि ऑफिस से आने के बाद रात में ही खोलूंगा इनको, लेकिन खोलूंगा जरूर इसी तरह लाइट जला के। अभी कुछ काम था इसलिए अभी रात में मेरे को खोलना पड़ा, रात को अंधेरा 6:30 बजे के बाद अंधेरा ही हो जाता है, आपको पता ही है, ठीक है। चलिए कुछ नहीं, अपने अपने कबूतरों का ख्याल रखिए, बड़ा दुख होता है जब आपका कबूतर निकल जाता है, तो खास करके जब अच्छे होने वाले हैं, लेकिन क्या करेंगे, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, ये तो लगा ही रहता है। बस यही कहूँगा व्यूअर्स, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये भी आपके एक फैमिली के अंग हैं, ठीक है। इनको कबूतर मत समझिएगा, ठीक है, इनको प्यार कीजिए, ठीक है। इनको अच्छे से प्रॉपर वेट से दाना दीजिए, अच्छा खाना खिलाइए, मिक्स फूड दीजिए, ठीक है, और सप्लीमेंट ज़रूर देना मत भूलिए, हफ्ते में सप्लीमेंट देते रहिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, नहीं तो नहीं दोगे तो आपको दिक्कत आ जाएगी, जो मैंने फेस किया है, ठीक है। और गलती अपना मानने से ये होता है कि आदमी फिर वो दोबारा गलती नहीं करता, इसलिए मैं अपना गलती खुद मान लेता हूँ व्यूअर्स, ठीक है। डेवलपिंग लाइन में भी यही होता है, जब तक आप गलती नहीं कर मानोगे अपनी, तब तक आप एक अच्छे कोडर नहीं बन सकते, एक अच्छा डेवलपर नहीं बन सकते, ठीक है व्यूअर्स। इन सब बातों पर थोड़ा सा ध्यान देना होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो उसको इम्प्रूव कीजिए और अपने कबूतरों का ख्याल रखिए, ठीक है व्यूअर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय माता दी, हैव ए ग्रेट डे। और जाते जाते यही, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह जेन्युइन कंटेंट आप लोग के लिए लाता रहता हूँ, ठीक है व्यूअर्स, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अमित फिर से आप लोगों को आपके अपने चैनल आई लव माई कबूतर में स्वागत करता हूँ।
व्यूअर्स, जैसे कि आप देख रहे होंगे मेरे कबूतर की संख्या को कम लग रही है ना, लेकिन क्या करें, बैरी जो होती है ना, जो बाज होते हैं, वो मेरे 3 कबूतरों को ले गई। जो मेरा जो जिस दिन मैं पैदा हुआ था, जो 15 अगस्त के दिन जिसको मैं दिखाता था, ठीक है, उसको उसने पकड़ के ले गया। मेरे को कल बहुत अफसोस हुआ। वो उड़ना नहीं चाहता था, लेकिन धूप अच्छा था, मैंने सोचा कि उड़ा दिया जाए। उड़ाया वो, कम से कम 1 घंटा उड़ा होगा। हालांकि मेरे 3 के 3 उड़ रहे थे, और इतने में आया और उसने जो है उसको पकड़ लिया। हालांकि वो हमेशा मतलब ऐसा उसके साथ होता नहीं था, लेकिन क्या करें, अब गिने चुने मेरे पास कबूतर रह गए हैं। मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, दिल कर रहा है कि कबूतरबाजी बंद कर दूं, ठीक है, लेकिन क्या करें। और इसका भी एक जो भाई थे, मतलब बहन थी, उसको भी ले गया वो उठा के। अब मेरा हिम्मत नहीं होता, अब इनको चुपचाप खिलाना है और बंद करना है, उड़ाने की हिम्मत नहीं है। मैं सोचता हूँ थोड़ा सा उड़ा के वीडियो बनाऊँ, आप लोग के साथ शेयर करूँ अपने अनुभव। इतने में ही व्यूअर्स कुछ कांड हो जाते हैं। ये वीडियो जो है मैं आप लोग को शूट कर रहा हूँ, बड़ी उदास मन से शूट कर रहा हूँ व्यूअर्स, ठीक है। इसके बाद हो सकता है कि अब जो है कुछ दिन के बीच वीडियो ना आए, क्योंकि जब मैं उड़ाऊँगा ही नहीं तो वीडियो आप लोग को क्या दिखाऊँगा। हाँ, एक और वीडियो आएगी नर मादिन की पहचान, उसमें मैं आप लोग को बताऊँगा व्यूअर्स। बाकी तो बस यही है, बहुत तकलीफ होता है। वो उसको मैंने अपने हाथ से चना भी खिलाया था जब गया, तो वो जाने का मन नहीं था उसका, फिर मैंने उसको चना खिला दिया कि चलो भाई चना खा ले। चना मेरे हाथ से खाया, मैं एक बार मारा तो वो आया नहीं, मैं समझ नहीं पाया उसकी बातों को। हो सकता है उसको आभास हो गया हो, लेकिन मैं समझ नहीं पाया, मेरी बुद्धि मत मारी हुई थी, समझ लो गलती मेरी थी, मैंने उड़ा दिया। लेकिन अब कहते हैं क्या, जब पछताया क्या हो, तो जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने अपनी गलती की वजह से अपने कबूतर खो दिया, इसका अफसोस मुझे रहेगा। लेकिन अब ये जो बच्चे हैं, अब इन्हीं को करना है। हालांकि उसके जैसे ये है नहीं, वो 4 घंटा 5 घंटा मार के आता था, उनके अभी तक कोई भी कबूतर भी मिला नहीं। आई होप माता ने कृपा से आने वाले समय में उसके जैसा कोई निकल जाए बच्चे की तैयार में, क्योंकि ये इसी के बच्चे थे। हाँ, उसका पापा बल्कि भाग गया था, लेकिन माँ तो उसकी थी, यही थी माँ। हो सकता है कॉम्बिनेशन बैठे और कुछ वैसे ही इसके बच्चे आए। अभी इसके 2 बच्चे अंदर भी हैं, वो जो तैयार हो रहे हैं, ठीक है। बस व्यूअर्स, यही दुख भरी हमारी कहानी है। देख लीजिए कितने हैं, पहले कितने थे, अब कितने हैं, गिने चुने कबूतर रहते हैं। जानते हैं जब आपके पास कबूतर कम रहते हैं ना, तो 2-3 भी चले जाते हैं या कुछ उनके साथ हैपनिंग हो जाते हैं, तो आपके कबूतर बहुत कम दिखने लगते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा। इस वीडियो को मैं ऐड कर दूंगा उसमें जो है अभी, जिसमें ये पिछले वाले वीडियो में इसके एक भाई को खाया था, उसके लिए वीडियो बनाया था, उसे मैं भी ऐड कर दूंगा। क्योंकि मैं लेट वीडियो अपलोड करूंगा, तो ये कंटेंट उसी में ऐड कर दूंगा व्यूअर्स। और वो जो कबूतरी है पहले से मच मच बेटर है, ये जो देख रहे हैं। पहले तो बहुत अंडे देने के बाद ये चल नहीं पा रही थी, तो मैंने कैल्शियम वगैरह पिलाया। कैल्शियम था वेस्टोवेट और क्या बोलते हैं, वेस्टोवेट और विमरल, ये लेकर मिक्स करके 10-10 ml पिला दिया 2 दिन। अब सीट ठीक हो गई है। मैंने सारे कबूतरों को कैल्शियम पिला दिया, बाई फोर्स पिला दिया है, ठीक है, सारे कबूतरों को। अभी सारे कबूतर फिट फॉर हैं, लेकिन डरे हुए हैं कबूतर, सहमे हुए कबूतर हैं। और ये साली आती है दोपहर के समय ही आती है, पता नहीं कब आती है, और कबूतरों को मार के चली जाती है। बगल वाला जो कबूतर है, उस तरफ भी किसी ने कबूतर रखा है, जो आपको पीली टंकी दिख रही है उसके बगल में भी, उसके भी कबूतर को कल उठा के ले गया मैं। इसने बाजीगर की फीमेल ने, ये जो है हरा कबूतर ने अंडे रख रखे हैं। इसके बच्चों कैसा रिजल्ट होता आप लोग को बताऊंगा। बस दुखी मन से ये वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो में मैंने आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब का कुछ नहीं बोलना है मेरे को, जो आप दिल करे वो कीजिएगा। इस वीडियो को मैं उस वाले वीडियो में ऐड कर दूँगा, जिसमें इसके जो कबूतरी है, कबूतर है कि कबूतरी है पता नहीं चल रहा है, क्योंकि 2-4 महीने बाद पता चलता है। वो जो मेरा गया, वो बहुत गर्दान कबूतर था। आप देखे होंगे जब मैं उसको लेके पिछला वीडियो अपलोड किया था, तो वो मेरे कंधे पे आकर बैठ गया था, वाइट कलर का था मकोया, ठीक है व्यूअर्स। चलिए, शौक कीजिए मेरे छोटे से कबूतरों का, बाकी जो भी हो बताइएगा, ठीक है। माता रानी आपके कबूतरों की रक्षा करो। ये देखिए बाजीगर का है बेटा, है हल्का फुल्का उड़ने लगा है, ठीक है। जैसे इसका पापा बदमाश है ना, वैसे ही है। लेकिन मेरा यही कहता है यार, कि मेरा दिल मान गया है कि यार हाई फ्लाइंग कबूतर में नुकसान ही आपको है, कम उड़ने वाले कबूतर कम से कम आपके आँख के सामने तो रहेंगे, ठीक है।
तो मेरा अब दिल कर रहा है जो कम कबूतर उड़े ना, जिसको बोलते हैं यूपी में बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको, लड़िया, लड़िया बोलते हैं, ठीक है, लड़िया कबूतर बोलते हैं ना, जो कलरफुल होते हैं और 10-20 मिनट उड़े हैं उसके बाद वापस आएंगे झुंड में उड़ते, वही कबूतर सही है यार। इनमें तो रिक्स ही है, उड़ जाएंगे तो ये पता ही, उड़ने के बाद 2-3 घंटा मार के आएंगे, इतने पता चला बैरी आया, इनको रेल के ले गया, वो रहेंगे कि आपको आवाज़ पर उतर जाएंगे, ठीक है, उनके लिए 15-20 मिनट ही काफ़ी है। लेकिन क्या किया जाए, जब शौक ही है वो हाई फ्लाइंग की, तो लो फ्लायर पसंद तो आता नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा। ये भी मेरी एक कबूतरी है, ये भी बढ़िया कबूतरी है, ये जो है बड़ी सी कबूतरी है। और मैंने रियलाइज़ किया जो बड़े कबूतर होते हैं ना उनको बैरी मारने में एक बार सोचता है, क्योंकि इनकी साइज़ भी इसी का आकार की होती है, छोटे कबूतरों को बैरी जब मार के ले जाती है। जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है मैं गलत हूँ या सही हूँ, आप कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या बैरी यानी जो बाज होता है लकड़बाज, वो बड़े कबूतरों को भी ले जाती है कि सिर्फ छोटे कबूतरों पर हमला करती है जो छोटे वजूद के होते हैं? जहाँ तक मेरे को आइडिया है, बड़े वजूद के कबूतर पर वो हमला नहीं कर पाती, हमला करने से डरती है। बाकी जो भी हो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, यही मेरे गिने चुने कबूतर हैं, बाकी इन बच्चों का रिजल्ट जो भी होगा मैं बताऊँगा, ठीक है व्यूअर्स। बस इस वीडियो में इतना ही, अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखिए, अपने कबूतरों का ख्याल रखिए, और इस खास करके इस जाड़ के मौसम में आप कबूतरों को ना उड़ाइए तो बढ़िया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ वो आप लोगों के साथ भी हो, ठीक है व्यूअर्स। बाय, टेक केयर, जय माता दी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में खुशी मन के साथ, बाय।